हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके वाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, हमने मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर की शुरुआत कर रखी थी और नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले 5 क्लास में इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उसके बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस क्लास शुरू की और प्रैक्टिस में भी हमने लगभग 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज हम 41 क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे और आज हमारी ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी। और यह क्लास दिल्ली पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस, हरियाणा डी ग्रुप जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज की हमारी क्लास में मेन हमारा मकसद है, हमारा मेन मकसद होगा शेष फल के क्वेश्चन पर, रिमाइंडर के क्वेश्चन पर, और रिमाइंडर का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आज क्लास ज़रूरी होने वाली है। अब आज का हमारा 41वां क्वेश्चन है कि 5 की पावर 7 + 8 की पावर 7 / 13। देखो, हमने देखा ऊपर हमारे पास है 5 की पावर 7 + 8 की पावर 7 और नीचे हमारे पास है 13। अब देखो, 8 और 5 का ऐड हमारे पास कितना होता है? 13। यानी जो हमारे पास ऊपर दो फैक्टर हैं 5 और 8, उन दोनों का ऐड हमारे पास नीचे है 13 और ऊपर हमारी पावर है 7 और 7। पावर कैसी है? पावर हमारी है ओड यानी विषम, ओड यानी विषम। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस बने कि ऊपर जो हमारे पास दो फैक्टर जैसे 5 और 8, नीचे उन दोनों का योग हो और उनकी पावर सेम और पावर भी कैसी हो, पावर हमारी ओ विषम हो, उस केस में जो हमारा शेष फल रिमाइंडर कितना बनता है? 0 बनता है। 0 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। देखो, दोबारा से देखें कि जब भी हमारे पास जैसे 5 की पावर 7 और 8 की पावर 7 हमारा क्वेश्चन है और नीचे हमारे पास 13, इसमें हमें निकालना है शेष फल। सबसे पहले हमें देखनी है हमारी पावर कितनी है, तो पावर दोनों में हमारी 7 है और 7 हमारी कैसा नंबर होता है? विषम, ओड। एन जब भी हमारी पावर ओड हो, सेम हो, और नीचे हमारा फैक्टर 5 और 8 का ऐड हो, जोड़ हो, तो उस केस में हमारा शेष फल कितना बनता है? 0। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका? ठीक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 की पावर 13 + 3 की पावर 13 + 2 की पावर 13। देखो, सभी में पावर सेम है और पावर कैसी है? ओड है। पावर कैसी है? ओड। 6 की पावर 13 + 3 की पावर 13 + 2 की पावर 13 और नीचे हमारे पास देखो 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2 कितना होगा? 6 3 और 2 11। तो हमारे पास फॉर्मेट बन रहा है कि हमारे पास फैक्टर है 6 3 और 2, इन सभी का नीचे जोड़ है, सभी की पावर सेम है और पावर भी कैसी है? ओड। तो इस केस में भी हमारा शेष फल कितना बनता है? 0। कितना बनेगा? 0। जब भी हमारे पास जितने भी ऊपर फैक्टर हैं सभी का नीचे योग हो और पावर हमारी कैसी हो? ओड। उस केस में हमारा शेष फल कितना बनता है? 0। 0 हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगला हमारे पास है 3 की पावर 11 + 5 की पावर 11 + 7 की पावर 11 और इस तरह से श्रेणी हमारी चल रही है कहाँ तक? अनंत तक। सीरीज हमारी चल रही है अनंत तक और नीचे हमारे पास कितना है? 15। अब देखो, 15 किसका योग है? 5 और 3 8 और 8 7 हमारा कितना होता है? 15। हमने देखा कि ऊपर हमारे पास है 3 की पावर 11 5 की पावर 11 7 की पावर 11 और हमारे पास फैक्टर है 3 5 और 11, इन सभी का योग हमारे पास नीचे है और हमारी सीरीज लगातार चल रही है, तो हमारे पास फैक्टर क्या है? 3 5 और 7। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फैक्टर जब भी हमारी अनंत तक सीरीज चले तो हमें चेक करना है कि हमारी जो श्रेणी है सीरीज में तो नहीं है। तो देखो, 3 से 5 हुआ कितने का? 2 का अंतर। 5 से 7 कितने का? 2 का। और जब भी हमारा अंतर बीच का सेम चले जैसे 3 से 5 5 से 7, इसके बाद 7 से 9 9 से 11, तो उस केस में हमारा शेष फल कितना बनता है? उस केस में भी हमारा शेष फल कितना बनता है? 0। सबसे पहले हमें चेक क्या करना, हमें अंतर जैसे 3 से 5 हुआ अंतर कितने गए? 2 का। 5 से हुआ 7 अंतर कितने गए? 2 का। उसके बाद हमारी पावर कैसी है? पावर हमारी ओड है। कैसी है? ओड। और हमारा फैक्टर है 3 5 और 7, इन सभी का जोड़ हमारे पास कितना? 15। तो इस केस में भी हमारा शेष फल कितना होता है? 0। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 की पावर 12 - 5 की पावर 12। तो देखो, दोनों की पावर सेम है और पावर हमारे पास 12 है और 12 कैसे होता है? 12 हमारी संख्या होती है इवन यानी सम। यानी हमारे पास ऊपर हमारी पावर सेम और पावर भी कैसी है? पावर हमारी इवन है, सम है, और फिर नीचे हमारे पास 2 है। तो देखो, हमने देखा कि हमारे पास 7 - 5 हम करते हैं, हमारे पास डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। तो हमारे पास केस बड़ा कि 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, ऊपर हमारे पास क्या है?
ऊपर हमारे पास पावर हमारी 12 जो दोनों में सेम है और पावर कैसी है सम हो, तो जब भी ऐसा केस बने पावर हमारी सेम हो, पावर कैसी हो, पावर सम हो और नीचे दोनों का डिफरेंस हो, तो उस केस में भी हमारा शेष बल कितना बनता है, 0। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। अगला हमारा है कि 12 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 4 बटे 21। 12 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 4 बटे 21। सबसे पहले हमारे पास पावर दोनों में सेम है, पावर कितनी है 4, और 4 हमारा कैसा नंबर होता है, इवन यानी सम। उसके बाद देखा नीचे हमारे पास कितना है, नीचे हमारे पास 21। अब 21 क्या होता है, 21 हमारे पास होता है 12 प्लस 9, तो 12 और 9 हमारे पास क्या होता है, 21। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास ऊपर दोनों में पावर सेम और पावर कैसी है, इवन है, और दो हमारे पास फैक्टर हैं 12 और 9, उन दोनों का ऐड कितना होता है, 21। तो इस केस में भी हमारा शेष बल कितना बनता है, 0। यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसमें भी, ठीक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास संख्या है 1829 में पावर 42 में यूनिट जीटीएन इकाई अंक क्या होगा। तो देखो हमारी इकाई अंक कितना, इकाई अंक हमारा 9 है, तो बाकी संख्या से हमें कुछ नहीं लेना। हमारे पास इकाई अंक 9, 9 की पावर कितनी है, 42। अब देखो 9 के मैंने दो नियम बताए थे। पहला हमारा नियम है कि हमें देखनी है पावर ओड है या इवन है। तो देखो हमने देखा कि हमारे पास 42 और 42 में भी हमारा अंक कितना है, 2 है, 2 हमारा कैसा अंक है, सम है, कैसा अंक है, सम है। तो जब भी हमारे पास 9 में इकाई अंक पूछे और पावर हमारी सम हो, तो उस केस में हमेशा इकाई अंक कितना बनता है, इकाई अंक हमारा 1 बनता है, कितना, 1। जब भी हमारे पास 9 की पावर हो और पावर हमारी सम हो, कैसी हो, सम, उस केस में हमारे पास इकाई अंक कितना बनता है, 1। तो एक हमारा कौन सा ऑप्शन, डी, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। एक तरीका तो यह है, दूसरा मैंने बताया था कि हमारे पास है 9 की पावर 42। अगर ये नहीं याद रहे तो जो भी हमारे पास पावर है, पावर को हमें सबसे पहले 4 से भाग देना है, किससे, 4 से, 4 से भाग देंगे तो ये 10 बार में जाएगा, और 10 बार में करेंगे तो 10 बार में हमारा 40 होता, हमारे पास कितना है, 42 है। तो जब 42 में हम 40 को माइनस करेंगे, हमारे पास शेष कितना बचेगा, 2, और जो हमारे पास शेष बचता है उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं, तो 9 की पावर हमारे पास 2 होगी। अब 9 की पावर 2 मतलब है 9 गुणा 9, और 9 को 9 से गुणा करते हैं, हमारे पास कितना होता है, 81। अब 81 में हमारे पास इकाई अंक कितना है, 1। तो इस तरीके से हमारी इकाई अंक कितना बनेगा, 1। जो आपको बेटर लगे उसको फॉलो करो। आगे हमारे पास है कि 5 7 1 1 0 1 3 2 में अगर इस संख्या को हम 9 से भाग करें, किससे, 9 से भाग करें, तो हमारा शेष फल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो 9 का नियम मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या को हम 9 से भाग दे, हमें करना है अंकों का योग, अंकों का योग। तो हम अंकों का योग अगर करते हैं तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 और 1 7 8, 9, 9 और 7 कितना होगा, 9 7 16, 16 और 5 कितना होगा, 21। तो सभी अंकों का योग हमारे पास कितना है, 21, और 21 को हम कितने से भाग करेंगे, 9 से। अब देखो 21 को 9 से भाग करेंगे, दो नंबर में जाएगा, यानी 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब 9 को अगर 2 से करते हैं 18 आता, हमारे पास कितना है, 21। 21 में जब हम 18 को माइनस करेंगे, हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 3। यानी हमारा कितना बचा, 3, और 3 को किससे भाग देना है, 9 से। अब देखो 3 पर 9 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटा और 9 हमारा क्या है, बड़ा है। जब भाग नहीं जाएगा तो वही हमारा शेष बल बनेगा, तो हमारा शेष बल कितना बनेगा, 3। तो 3 हमारा क्या होगा, राइट। इससे भी हम सोच जा सकते, जैसे हमारे पास है ये कि 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 8 और 9, तो 9 से 9 क्या होता, हमारा कैंसल। उसके बाद हमारे पास 7 और 5 कितना है, 12। तो 12 पर हम 9 से करते तो 9 एकम 9, और 12 में से 9 को हम माइनस करते, हमारा शेष बल कितना बनता, 3। तो इससे भी हमारा शेष बल कितना बनता, 3, और 3 हमारा कौन सा ऑप्शन, सी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12505 की पावर हमारे पास है 149, और इसमें हमें बताना इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब देखो 5 के मैंने दो नियम बताए थे, जब भी हमारे पास, अब देखो इकाई अंक हमारे पास 5 है, तो बाकी संख्या से हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास हमें लिखना है केवल 5, और 5 की पावर हमारे पास 149। और मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था, जब भी हमारे पास 5 की पावर n आए,
पाँच की पावर एन आई, एन का मतलब है कोई भी नंबर एक से लेकर अनंत तक। तो हर केस में हमारे पास इकाई का अंक कितना बनता है? पाँच, यानी पाँच की पावर चाहे कुछ भी आई एक से लेकर अनंत तक हमेशा इकाई का अंक कितना बनेगा? पाँच। तब हमारे पास पाँच की पावर 149 है, पावर कुछ भी हो 149 हो 150 हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक हमेशा कितना बनेगा? पाँच। यानी जब भी हमारे पास संख्या में इकाई का अंक पाँच उसकी पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक कितना बनेगा? पाँच बनेगा। और पाँच हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। एक तो यह तरीका है, अगर यह तरीका नहीं याद है तो दूसरा मैंने बताया था कि हमारे पास है पाँच की पावर 149। अब हमारी पावर कितनी है? 149। 149 को हम चार से भाग देंगे और जब भी हम चार से भाग करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दो अंक की ज़रूरत होती है, यानी हम लेंगे 49। हमें एक की ज़रूरत नहीं है, हमें इकाई और दहाई का अंक लेना 49। 49 को हम चार से करेंगे तो ये कटेगा चार, एक हम चार और चार दोनों आठ, और शेष पल हमारा कितना बचेगा? एक। जो भी हमारा शेष बचेगा हम उसको पावर में लिखेंगे, यानी पाँच की पावर एक, और पाँच की पावर एक का मतलब होता है पाँच। तो इस तरीके से भी हमारी इकाई का अंक कितना बनेगा? पाँच, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? बी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 17 की पावर 200 को जब हम 18 से भाग दें, 17 की पावर 200 को जब हम 18 से भाग दें तो हमारा शेष पर क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ऊपर संख्या 17 है और नीचे 18 है। अब 17 छोटी होती है किसी 18 से, तो 17 पर भाग नहीं जाएगा 18 से। तो देखो हम किस तरह से करेंगे। अब हम 17 को इस तरीके से लिख सकते हैं 18 माइनस 1, क्योंकि 18 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 17, और पावर कितनी है? 200। तो पूर्व की पावर 200 और भाग किस कितने से करना? 18 से। देखो जब हम 17 पर 18 का भाग देते भाग नहीं जाए क्योंकि 17 छोटी है और 18 बड़ी है। तो हम 17 को लिखेंगे 18 माइनस 1। क्यों लिखा? कि जब 18 में से 1 को माइनस करेंगे हमारा 17 बचेगा, और पावर कितनी है? 200। अब देखो 18 पर जब 18 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर तो यहाँ पर बचेगा 0, और ये बचेगा माइनस 1 की पावर कितना? 200। और इस पर भी किसका भाग देना? 18 का। अब माइनस 1 है और उसकी पावर कितनी है? 200। जब भी हमारे पास कोई नंबर हो और नंबर हमारी माइनस में हो और उसकी पावर क्या हो? पावर सम हो। पावर अगर सम हो तो बाहर वो नंबर क्या बनेगी? बाहर हमेशा वो नंबर बनेगी पॉजिटिव एंड धनात्मक। धनात्मक जब भी हमारे पास संख्या ऋणात्मक हो उसकी पावर सम हो तो हमेशा संख्या बाहर प्लस की बनेगी एंड धनात्मक बनेगी। अब हमारे पास है माइनस 1 की पावर 200 हमारे पास सम है, तो जो बाहर का हमारे जो एक से एक की जो हमें बाहर संख्या मिलेगी हमें धनात्मक मिलेगी। अब एक को हम कितनी बार गुणा करें हमेशा हमें कितना मिलता है? एक, और एक के नीचे हमारा कितना? 18, 1/18। अब देखो एक पर 18 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक छोटा और 18 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। उस केस में हमारे पास ऊपर होता वो हमारा क्या बचता है? शेषफल। तो शेषफल हमारा क्या होगा? एक। एक कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी ऑप्शन क्या होगा? ठीक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4 के और इसकी पावर है 73। इसमें यदि इकाई का अंक हमारा अच्छा है, इकाई का अंक कितना है? अच्छा है, तो के का मान क्या होगा? इकाई का अंक अगर अच्छा है तो के का मान क्या होगा? तो देखो हमारे पास संख्या है 1, 2, 3, 4 के, उसके बाद हमारे पास के है, और के कौन सा अंक है? के हमारे इकाई का अंक ही है। कौन सा अंक है? इकाई का अंक। और इकाई का अंक का मान हमारे पास कितना अच्छा है? जब हम धरेंगे तो 2, 3, 4 इकाई का अंक हमारे पास 6 है, और इकाई के अंक पर हमारे पास क्या है? के, यानी के का मान हमारे पास कितना बनेगा? 6, यानी के बराबर कितना होगा? 6, और 6 हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? ठीक होगा। और आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।